नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरे शार्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जंगल सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए बिग एनिमल लेके आई हूँ, मतलब एलिफेंट। तो चलिए आज हम हाथी बनाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बेबी एलिफेंट बना रहे हैं। एलिफेंट बनाने के लिए मैंने ये ग्रे कलर का वो लिया है और इसकी आईज के लिए आप इस तरह इसकी करने वाली आईज भी ले सकते हैं या फिर बीट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लेग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया पे लेंगे, उसके बाद थ्री चेन्स बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाने के बाद इसे फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर टू चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें सिक्स हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। दोस्तों, सिक्स हाफ ट्रबल में से हम इन चेन्स को भी एक हाफ ट्रबल की तरह ही काउंट करेंगे, इसलिए फाइव हाफ ट्रबल्स और बनाएंगे और इस थ्रेड को हम इसके साथ साथ ही पकड़ते रहेंगे जिससे ये इसी में अंदर दब जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि क्रोशिया बिल्कुल इसके सेंटर में ही एंटर होना चाहिए। फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, जो स्टार्टिंग की चेन्स थी उसके ऊपर वाले चेन। अब टू चेन्स बनाएंगे। अब इसमें हम हर हाफ ट्रबल के ऊपर दो दो ट्रबल्स बनाएंगे, मतलब अभी हमने सिक्स हाफ ट्रबल्स बनाए हैं, अब ये 12 ट्रबल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक ही ट्रबल बनाएंगे क्योंकि इस चेन को भी हम एक ट्रबल की तरह ही काउंट कर रहे हैं और फिर लास्ट में इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इस टाइम हमारे पास 12 ट्रबल्स हैं। नेक्स्ट रो में हमको फिर कम करके 8 ट्रबल्स करने हैं। तो सबसे पहले हम टू चेन्स बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड का एक कर देंगे और नेक्स्ट टू में एक एक ट्रबल बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट टू का एक कर देंगे, मतलब हर दो दो ट्रबल के बाद एक एक ट्रबल कम करते जाएंगे। अब उसके बाद फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये 8 ट्रबल्स हो गए। अब इसको हम प्लेन बनाते चले जाएंगे। अब टू चेन्स बनाएंगे और हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे। और फिर एंड में इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसी तरह इसकी टोटल 6 रो बना लेंगे। अब इसे कट करके इसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह इसकी 4 लेग्स बना लेंगे। 4 लेग्स बनने के बाद अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 4 चेन्स बना लेंगे और फिर इसे फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और अब इसमें ट्रबल्स बनाएंगे। ट्वेल्व ट्रबल्स बनने के बाद इसको हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये हमको थोड़ा सा ओवल शेप में चाहिए, इसलिए अब 12 ट्रबल्स के बाद हम इसमें कुछ ट्रबल्स बनाएंगे, कुछ हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद फर्स्ट ट्रबल में 2 ट्रबल्स बनाएंगे और उसके बाद 1 ट्रबल बनाएंगे।
फिर नेक्स्ट स्पेस में एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में टू हाफ ट्रबल्स बनाएंगे, मतलब हर दो ट्रबल के बाद हम एक ट्रबल बढ़ाते जा रहे हैं। ये आप बिल्कुल काउंट करके चलें, 12 ट्रबल्स हैं तो 6 हम इस साइड लेंगे, 6 इस साइड लेंगे, जहाँ पे हमने ये दो ट्रबल्स बढ़ाए थे उससे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ नेक्स्ट में एक हाफ ट्रबल बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में एक ट्रबल और फिर उसके नेक्स्ट में दो ट्रबल। फिर उसके बाद एक ट्रबल और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में एक हाफ ट्रबल, फिर नेक्स्ट में दो हाफ ट्रबल और फिर एक हाफ ट्रबल और लास्ट में यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, मतलब इसमें हमने 4 ट्रबल्स और बढ़ा लिए। अब ये थोड़ा सा ओवल हो गया, इसके बाद एक राउंड हम ट्रबल का और बना लेंगे। अब हर अल्टरनेट में दो दो ट्रबल बनाते जाएंगे। फर्स्ट में एक बनाया, सेकंड में दो बनाए, थर्ड में फिर एक बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को पूरा कर लेंगे और फिर लास्ट में इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए ये थोड़ा ओवल शेप में आ गया। अब हम इसमें लैग्स अटैच करेंगे। लैग्स अटैच करने के लिए ये जो ओवल बना हुआ है, ये जो हमने सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रबल्स बनाए थे और ये वाले जो दो ट्रबल्स थे इनको हम ऊपर नीचे की साइड रखेंगे और इसमें यहाँ पे लैग्स अटैच करेंगे एक इधर। ये लैग्स में 8 ट्रबल्स हैं, 8 में से हम 3 ट्रबल्स इन पे अटैच करेंगे इस तरह। और ये यहाँ पे ध्यान रखें आप कि ऊपर नीचे कम स्पेस बचनी चाहिए, साइड्स में ज़्यादा स्पेस बचेगी। ये 12 ट्रबल्स बनाए थे, उसके बाद यहाँ हमने 4 ट्रबल्स और बढ़ाए तो ये 16 हो गए और यहाँ पे हमने 8 ट्रबल्स और बढ़ाए तो टोटल हमारे पास इस टाइम 24 ट्रबल्स हैं और हमको ये 4 लैग्स अटैच करने हैं, जिसके हम 3 ट्रबल्स इसमें अटैच करेंगे, मतलब 3 4 12 ट्रबल्स तो इसमें अटैच हो जाएंगे 24 में से, और 12 ट्रबल्स बचेंगे जिसमें से 2 ट्रबल यहाँ हम छोड़ेंगे, 2 ट्रबल यहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद बचेंगे 8, 4 ट्रबल्स यहाँ पे छोड़ेंगे। ये आप बिल्कुल हिसाब लगा के स्टार्ट करें और इसमें भी जो 2 ट्रबल्स छोड़ेंगे, ये जो हमने यहाँ पे ट्रबल्स बढ़ाए हैं इसके ऊपर ये वाले 2 ट्रबल्स ही छोड़ने हैं। यहाँ पे जो हम लैग अटैच करेंगे उसके लिए 1 2 3 ट्रबल्स में अटैच करेंगे, तो अब ये 2 ट्रबल्स तो जब हम राउंड पूरा करके आएंगे तब अटैच करेंगे, 1 ट्रबल यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसमें हम 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद इस वाले ट्रबल्स में ट्रबल बनाएंगे और अब इसमें से इस तरह इसको अटैच कर दिया, जिससे ये ट्रबल भी बन गया और इसमें अटैच भी हो गया। अब फिर ये यहाँ पे इन दोनों में हम एक एक ट्रबल बना लेंगे। और फिर 1 2 3 इन 3 ट्रबल्स में नेक्स्ट लैग अटैच करेंगे। इसको भी उसी तरह अटैच करेंगे, सबसे पहले एक ट्रबल बनाएंगे और इसको इतना बना के फिर इसमें से हम क्रोशे को एंटर करेंगे और लूप बना के निकाल लेंगे और फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट ट्रबल में क्रोशे को एंटर करेंगे और लूप बनाकर निकाल लेंगे और इतना बनने के बाद अब इसको नेक्स्ट लूप से अटैच कर देंगे। फिर अभी ये 2 लूप में अटैच हुआ है, एक लूप से और अटैच करेंगे।
तीन लूप अटैच हो गए। अब इस साइड फोर ट्रबल्स हम नॉर्मल बना देंगे, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ ट्रबल्स बढ़ाने हैं, तो इसमें फर्स्ट में दो बनाएंगे और लास्ट में दो बनाएंगे, बीच के दो में एक एक बनाएंगे। अब फिर 1, 2, 3 में थर्ड लेग अटैच करेंगे। देखिए अब ये लास्ट का एक ट्रबल बचा है, इसको हम लेग के थर्ड ट्रबल से अटैच करेंगे और फिर एंड में जब स्लिप स्टिच से हम स्टार्टिंग की चेन को अटैच करते हैं उसके साथ ही लेग के सेकंड ट्रबल को अटैच कर देंगे। देखिए इसके चारों लेग्स अटैच हो गए। अब टू चेन्स बनाएंगे और टू चेन्स बनाने के बाद अब हम इसको टर्न करके बनाएंगे, क्योंकि यदि ऐसे ही बनाते गए तो ये अंदर की तरफ से बनेगा, हमें बाहर की तरफ से बनाना है। दोस्तों अभी हम इस लेग के ऊपर हैं, लेकिन जब हम ये राउंड स्टार्ट करेंगे वो हमें लेग के आगे से स्टार्ट करना है, इसलिए दो ट्रबल्स में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और लेग क्रॉस करने के बाद से ये राउंड स्टार्ट करेंगे। और अब यहाँ पे टू चेन्स बनाएंगे और अब हर अल्टरनेट ट्रबल में टू ट्रबल्स बनाते हुए इस राउंड को पूरा कर लेंगे। इस चेन को भी हम एक ट्रबल की तरह ही काउंट कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट में टू ट्रबल बनाए और उसके बाद वन बनाया और फिर नेक्स्ट में टू बनाए। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ अंदर से नहीं जाएंगे बल्कि लेग के बाहर की तरफ से आएंगे और लेग्स में भी हर अल्टरनेट में टू टू ट्रबल्स ही बनाएंगे। बीच में कहीं भी गैप नहीं बचना चाहिए, गैप बचेगा तो वो छेद बन जाएगा। इसी तरह इसके चारों तरफ ये वाला राउंड बना लेंगे। ये लेग्स ऊपर से चौड़े हो गए। देखिए ये पूरा करने के बाद इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करते हैं। देखिए दोस्तों इतना बनने के बाद अब नेक्स्ट रो में हम आगे और पीछे से कुछ ट्रबल्स कम करेंगे जिससे ये लेग्स पास आ जाएं और पैरों पे ट्रबल्स बढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी जितने हैं उतने ही रखेंगे। सबसे पहले टू चेन्स बनाएंगे और फिर इस साइड तो हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। अब ये लेग का एरिया स्टार्ट हो गया, इसलिए नेक्स्ट ट्रबल में एक ट्रबल बढ़ा देंगे। यहाँ पे दो ट्रबल बनाए, फिर आगे सब में एक एक ही बनाएंगे और उसके बाद पीछे की तरफ फिर से ट्रबल बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फिर हम दो ट्रबल बनाएंगे। फिर इसमें एक बनाएंगे और अब ये एरिया कम करना है तो यहाँ पे हम हर दो ट्रबल का एक कर देंगे।
अब यहाँ फिर से एक ट्रबल बनाएंगे और फिर इसमें भी एक बनाएंगे, अब इसमें दो ट्रबल बनाएंगे। और फिर इधर एक एक ही बनाएंगे। और इस वाले में फिर से दो ट्रबल बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट रो में फिर से यहाँ पे हम कम करेंगे और इन सब पे एक एक ही बनाएंगे। आप बस हमेशा ये ध्यान रखें कि दोनों साइड के ट्रबल काउंट बिल्कुल बराबर रहें, कम ज्यादा नहीं हो। जितने ट्रबल इस लेग पे हैं उतने ही इस लेग पे होने चाहिए। ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है। अब यहाँ पे फिर हम हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बना लेंगे। फिर हम लेग वाले पोर्शन में फर्स्ट ट्रबल में दो ट्रबल बनाएंगे और फिर आगे सब में एक एक बनाएंगे। अब यहाँ आगे की तरफ हम फिर से यहाँ लास्ट में दो ट्रबल बनाएंगे। यहाँ पे ज्यादा कम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी कम रखे थे, पीछे की तरफ ज्यादा रखे थे, इसलिए पीछे ज्यादा कम किए हैं। ये एक ट्रबल में एक ट्रबल बनाया। अब आप बिल्कुल सिमेट्रिकल चलें, यहाँ हमने एक ट्रबल बनाया था तो यहाँ एक ट्रबल बनाएंगे, उसके बाद यहाँ भी एक बनाएंगे, उसके बाद इन दो का एक कर देंगे, इन दो का एक कर देंगे, सेंटर का छोड़ देंगे। अब इसमें एक ट्रबल बनाएंगे और फिर इन दोनों का एक कर देंगे और फिर इसमें एक ट्रबल बनाएंगे। और अब ये लेग वाला पोर्शन शुरू हो गया, तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट में दो दो बनाएंगे, बाकी सब में एक एक बनाएंगे। और ये आप बिल्कुल काउंट करके बनाएं, जितने ट्रबल इस लेग पे आ रहे हैं उतने ही इस लेग पे आने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी यहाँ पे अगर हमको लगे कि एक ट्रबल कम है या ज्यादा है तो यहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर जाके नहीं चेंज करेंगे। अब फिर एंड में इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर इसके ऊपर एक रो ट्रबल्स की और बनाएंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो में हम दोनों साइड तो हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बनाएंगे और आगे पीछे फिर से कुछ ट्रबल्स कम करेंगे। पीछे की साइड ये जो सिक्स ट्रबल्स हैं, इनमें हम हर दो ट्रबल का एक करते जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हर ट्रबल के ऊपर एक एक बनाते जाएंगे, इसी तरह आगे तक आ जाएंगे और फिर यहाँ पे कुछ ट्रबल्स कम करेंगे। यहाँ तक पूरे में हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे। अब इस साइड भी इन सिक्स ट्रबल्स में हर दो ट्रबल का एक एक करते जाएंगे। यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब जो नेक्स्ट रो बनाएंगे, इसमें हम चारों तरफ थोड़े थोड़े ट्रबल्स कम करते जाएंगे।
मतलब हर दो ट्रबल के बाद एक ट्रबल कम करेंगे। सबसे पहले टू चेन्स बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये दो ट्रबल्स का एक कर देंगे, फिर टू ट्रबल्स के ऊपर एक एक ट्रबल बनाएंगे और फिर नेक्स्ट टू का एक कर देंगे। फिर टू ट्रबल्स पे एक एक ट्रबल बनाएंगे और फिर नेक्स्ट टू का एक कर देंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हम हर रो में ट्रबल्स को कम करते जाएंगे। अभी हमने हर दो ट्रबल के बाद कम किया था, अब इस रो में हम हर अल्टरनेट पे कम करते जाएंगे। सबसे पहले टू चेन्स बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट टू को एक कर देंगे, फिर नेक्स्ट ट्रबल नॉर्मल बनाएंगे, मतलब यहाँ पे कम नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टू का एक कर देंगे। हर अल्टरनेट ट्रबल को कम करते जाएंगे। इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल इसका सही शेप आता जा रहा है। अब इस रो में भी हम हर दो ट्रबल का एक करते जाएंगे। इस रो में हमने दो ट्रबल का एक किया, फिर दो ट्रबल प्लेन बनाए, फिर दो ट्रबल का एक किया। इस रो में हमने हर अल्टरनेट ट्रबल का एक किया, अब हम हर दो ट्रबल का एक करते जाएंगे। और दोस्तों, जहाँ पे भी हम पूरी रो में हर दो ट्रबल का एक करते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा टाइट बनाएंगे, जिससे दो ट्रबल्स के बीच में गैप कम से कम बचे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसका मुंह बहुत छोटा रह गया है। इतना बनने के बाद सबसे पहले हम इसमें फाइबर भरेंगे। फाइबर बिल्कुल इसके लेग्स में अंदर तक भरना है। पहले चारों लेग्स में नीचे तक भर लेंगे, उसके बाद ऊपर भरेंगे। दोस्तों, फाइबर भरते टाइम आप ये भी ध्यान रखें कि इसका शेप बिगड़े नहीं। अगर एक ही साइड ज़्यादा फाइबर इकट्ठा हो जाएगा तो ये डी शेप हो जाएगा। अब फिर से हम हर टू ट्रबल्स का एक करते जाएंगे। इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे इसका मुंह छोटा होता जाता है, वैसे वैसे हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से करना पड़ता है। अब हम इसका मुंह बंद करेंगे। इस बार हम एक चेन बनाएंगे और हाफ ट्रबल की रो बनाएंगे। हर दो ट्रबल का एक तो करना ही है, लेकिन हाफ ट्रबल बना के। इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये इसकी बॉडी तैयार हो गई। अब हम इसका फेस बनाएंगे, फेस के साथ ही इसकी सूंड भी बनाएंगे और इसकी पूंछ बनाएंगे।
पूंछ बनाने के लिए बिल्कुल इसके सेंटर से स्टार्ट करेंगे और एक लूप बना के इसमें से निकाल लेंगे और फिर पहले इन दोनों थ्रेड्स की नॉट लगा देंगे जिससे ये खुले ना। फिर यहाँ से एक लूप बनाएंगे और इसमें हम सबसे पहले जितनी लंबी हमको पूंछ बनानी है उतनी चेन्स बना लेंगे। इलेवन चेन्स बना ली। अब यहाँ पे हम एक लूप बनाएंगे और फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन से क्रोशिए को एंटर करके इस थ्रेड को निकाल लेंगे। लूप जैसे हम हमेशा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। इसकी पूंछ इतनी लंबी हो गई। अब हम इस पे डबल चेन बनाते हुए वापस आ जाएंगे। डबल चेन माने स्लिप स्टिच, हर चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसको फिर से यहाँ पे अटैच करके इस थ्रेड को कट कर देंगे। और इन दोनों थ्रेड की नॉट लगा के दोनों थ्रेड्स को अंदर कर देंगे। और ये जो इसके लूप्स हैं इनको भी कट कर देंगे। अब हम इसकी सून बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इस तरह एक लूप बनाएंगे और फिर टू चेन्स बनाएंगे। अब इसमें फाइव ट्रेबल्स बनाएंगे। वन टू थ्री और फाइव ट्रेबल्स बनाने के बाद इसको खींच के टाइट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ देंगे और फिर इसे यहाँ फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब फिर से टू चेन्स बनाएंगे। दोस्तों ये जो हम स्टार्टिंग की टू चेन्स बनाते हैं इसको भी हम एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करते हैं। तो इस टाइम हमारे पास इसमें सिक्स ट्रेबल्स हैं। अब इस रो में हम हर ट्रेबल के ऊपर एक एक ट्रेबल बनाते जाएंगे। और उसके बाद फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर टू चेन्स बनाएंगे और इस रो में फर्स्ट ट्रेबल में हम टू ट्रेबल्स बनाएंगे और उसके बाद एक एक बनाएंगे। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट चेन में टू ट्रेबल्स बनाए थे, अब एंड में जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की है वहीं पे एक ट्रेबल और बना लेंगे। तो एक चेन और एक ये ट्रेबल हो गया, टू ट्रेबल्स हो गए और फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। फिर टू चेन्स बनाएंगे और इस बार हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बना लेंगे। और फिर एंड में इसको यहाँ पे इस स्टिच से अटैच करेंगे। फिर टू चेन्स बनाएंगे और इस रो में भी फर्स्ट ट्रबल में और लास्ट ट्रबल में टू टू ट्रबल्स बनाएंगे।
देखिए धीरे धीरे ये ऊपर से चौड़ी होती जा रही है। अब फिर टू चेन्स और हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल। दोस्तों इसे आप नाप के बनाएं। अब ये देखिए इतनी लंबी बन गई। अब यहाँ पे इसका फेस बनाएंगे। फेस बनाने के लिए हमें ये ट्रेबल्स बढ़ाने हैं। अब इस रो में हम हर ट्रेबल में दो दो ट्रेबल बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो में हर अल्टरनेट ट्रेबल में दो बनाएंगे, मतलब फर्स्ट ट्रेबल में टू ट्रेबल्स बनाएंगे, सेकेंड में वन बनाएंगे, थर्ड में फिर से टू बनाएंगे और उसके बाद थर्ड रो में हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बना लेंगे। देखिए दोस्तों हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाने के बाद अब हमारे पास ये 30 ट्रेबल्स हैं। इनको हम फ्लैट कर लेंगे। जहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा एक एक ट्रेबल शिफ्ट होता जाता है ये, तो बिल्कुल यहाँ से आप इसको फ्लैट कर लें। और अब ये जो पीछे के ट्रेबल्स हैं यहाँ पे हम ये ट्रेबल्स बढ़ाएंगे, सामने के ट्रेबल्स और साइड के कम करेंगे। तीन साइड तो इसको कम करते जाएंगे और पीछे की साइड बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 10 ट्रेबल्स में हम बढ़ाएंगे और बचे हुए 20 ट्रेबल्स में से 10 कम कर देंगे। अब कौन कौन से 10 ट्रेबल्स आपको लेने हैं वो आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। पीछे के ये वाले ट्रेबल्स लेंगे बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक। तो 7 ट्रेबल्स इधर और 3 ट्रेबल्स इधर। अब यहाँ पे 3 ट्रेबल्स में हम पहले बढ़ाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और फिर फर्स्ट ट्रेबल यहाँ बनाएंगे, फिर इसमें एक और बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, और फिर उसके नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे। अब यहाँ से हम कम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 का 1 कर देंगे। जब इसको हम कम कर रहे हैं तो एकदम टाइट बनाएंगे जिससे उसमें गैप ना बचे। अब फिर यहाँ पे एक ट्रेबल बनाएंगे और फिर नेक्स्ट 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट के यहाँ के 7 ट्रेबल्स में फिर हम हर ट्रेबल में 2-2 बनाएंगे। अब फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे। और अब ये हमको देख के बनाना है कि कितना बड़ा इसका हेड चाहिए। अब फिर से हम यहाँ के ट्रेबल्स कम करेंगे और यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक रो में हम और यही करेंगे, उसके बाद हम चारों तरफ से इसे कम करते जाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ पे 2 ट्रेबल बनाएंगे। फिर से आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेबल्स बढ़ाने। यहाँ पे हमने 2 ट्रेबल्स बनाए, अब हम 2 में और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। और फिर इसमें भी 2 ट्रेबल्स। अब इसमें 1 और फिर अल्टरनेट कम करते जाएंगे। अब उसके बाद फिर इन 2 का 1 कर लेंगे। फिर यहाँ पे इन 2 का 1 करेंगे और फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हर ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल बनाएंगे। देखिए दोस्तों ये इसके हेड का शेप आने लगा, ये इस तरह इसमें लगेगा। अब हम ऊपर से चारों तरफ से कम करते जाएंगे। फर्स्ट रो में तो हम अल्टरनेट ही कम करेंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे, अब फर्स्ट 2 ट्रेबल्स का 1 कर देंगे। दोस्तों अब हमको लगातार ट्रेबल्स कम करने हैं तो इसमें बीच में गैप ना बचे या कम से कम आए, इसलिए हम ये क्रोशिया चेंज करके पतले क्रोशिया से बनाएंगे। ये वाला 4.5 mm का क्रोशिया था, ये 3.5 mm का क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे
इसको बिल्कुल टाइट ही बनाएं। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अभी हमने अल्टरनेट ट्रबल्स कम किए थे, अब इस रो में हर दो ट्रबल का एक करते जाएंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये हमको बहुत टाइटली बनाना है, बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए, कम से कम स्पेस बचनी चाहिए। और इसको आगे बनाने से पहले इसमें हम फाइबर भर देंगे, क्योंकि इसका मुंह छोटा होता जाएगा तो फाइबर भरने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले इसको बिल्कुल पतला करके इसकी सूंड में भरेंगे, बिल्कुल पतला पतला करके भरना है, क्योंकि सूंड ज्यादा चौड़ी या मोटी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसमें ऊपर भर देंगे पूरे में। इसमें पूरे में फाइबर बिल्कुल एक सा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिससे ये टेढ़ा ना हो। बहुत मोटा मोटा फाइबर नहीं भरें, उसको छोटा छोटा करके भरें। फाइबर भरने के बाद इस रो में हमने जैसे अल्टरनेट ट्रबल कम किए थे, इस रो में भी टू चेन्स बनाने के बाद अल्टरनेट ट्रबल को कम करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टू का एक करेंगे, फिर नेक्स्ट में वन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट टू का एक कर देंगे, और ये रो भी हम बिल्कुल टाइटली बनाएंगे, जिसके बीच में गैप कम से कम बचे। इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट कर देंगे। फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर से हम ऐसे ही एक रो और बना लेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे ये ट्रबल्स कम होते जाते हैं, इन्हें बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप बहुत आराम से बनाएं और एकदम टाइटली बनाएं। इतना बनने के बाद अब इसका मुंह नीडल थ्रेड से बंद कर देंगे। इस थ्रेड को हम थोड़े दूर से कट करेंगे। सबसे पहले इसमें से नीडल को निकालेंगे, और फिर यहाँ पे जितने ट्रेबल्स बचे हुए हैं, इन सब में से हम इस नीडल को निकालते जाएंगे। चेन का सिंगल थ्रेड लेंगे और अंदर वाला थ्रेड लेंगे। इसको खींच के फिर टाइट कर दें, एकदम इसका मुंह बंद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसमें एक फंदा लगा देंगे और इसको यहाँ से
नीचे की तरफ निकाल लेंगे। अब इसको इसमें स्टिच करेंगे। इसको स्टिच करने से पहले हम इसके कान बनाएंगे। कान हम इसके इस तरह से बनाएंगे। कान बनाने के लिए भी हम ये पतला वाला क्रोशिया ही यूज करेंगे। सबसे पहले इस तरह एक लूप बनाकर क्रोशिया पे ले लेंगे और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें 7 ट्रेबल्स और बनाएंगे। अब इसको खींच के टाइट कर देंगे। अब 2 चेन्स बनाएंगे और फिर हर अल्टरनेट ट्रेबल में 2 ट्रेबल्स बनाते जाएंगे। फर्स्ट में 2 बनाएंगे, सेकंड में 1, थर्ड में फिर 2, और लास्ट में यहाँ पे फिर से 2। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और 1 राउंड और बनाएंगे। उसमें भी हम इसी तरह अल्टरनेट ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल बनाते जाएंगे। थोड़ा दूर से कट कर लेंगे क्योंकि स्टिचिंग हम इसी थ्रेड से करेंगे। अब हम इन दोनों को आपस में स्टिच करेंगे। दोस्तों इसमें सूंड का डायरेक्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे झुका हुआ भी और थोड़ा ऊपर उठा हुआ भी, या फिर अगर आप चाहें तो सूंड में एक पतला वायर लगा के इसको कर्व भी कर सकते हैं। अभी मैं इसकी सूंड को नीचे झुके हुए डायरेक्शन में ही स्टिच करूंगी। दोस्तों इसको स्टिच करते टाइम आप एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि ये जरा सा भी टेढ़ा ना हो, एकदम सेंटर में सीधा स्टिच हो। उसके लिए आप इसको पिन कर सकते हैं या फिर इसको पहले फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके उसके बाद स्टिच कर सकते हैं। स्टिक करते टाइम भी आप डायरेक्शन का ध्यान रखें क्योंकि एक बार ये जिस डायरेक्शन में भी स्टिक हो जाएगा फिर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसकी स्टिचिंग सेंटर से स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड बराबर थ्रेड रखते हुए सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे। उसके बाद आधी स्टिचिंग हम एक साइड से करेंगे और आधी दूसरी साइड से, जिससे इसका डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रहे। थ्रेड को यहीं छोड़ देंगे, अब इस साइड से आ जाएंगे। इस थ्रेड को इसी में अंदर कर देंगे।
अब हम इसके कान लगाएंगे। कान भी हम इसी से स्टिच करेंगे। इसमें यहाँ पे हम एक प्लीट डाल के इसको फिर स्टिच करेंगे। ये प्लीट आप इस हेड से भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह कर देंगे, इन दोनों में नॉट लगा देंगे जिससे जो हमने इसमें प्लीट्स डाली हैं ये लूज ना हो। अब इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। कान इसके बिल्कुल यहाँ पीछे की तरफ होते हैं। यहाँ पे इसके नॉट लगाकर इस थ्रेड को भी अंदर कर देंगे। और इस थ्रेड को भी यहीं से अंदर कर देंगे। इसी तरह दूसरा कान भी लगा लेंगे। देखिए इसके दोनों कान लग गए। अब इसकी आईज स्टिक करेंगे। आईज इसकी कान के सामने सूंड के पास इस जगह होती हैं। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लें और फिर इनको स्टिक कर दें, थोड़ा सा तिरछे में। दोनों का डायरेक्शन और दोनों की जगह बिल्कुल सेम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक क्यूट बेबी एलिफेंट तैयार है। दोस्तों, शेर जंगल का राजा है लेकिन ये हाथी भी राजा है। अब आप ये एलिफेंट बनाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और एनिमल के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।